रामाजी हाय हाय के द्वारा जिस तरीके से हम सभी स्वर्ण समाज के शास्त्र की भी पूजा करता हूँ, मैं अस्त्र की भी पूजा करता हूँ। उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा। सभी ब्राह्मण एक साथ शपथ ले रहे हैं कि हम अपमानित भोजन नहीं करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के विवादित बयान के बाद ब्राह्मण समाज काफ़ी आक्रोशित है। और देखिए, राजधानी पटना में शपथ लिया जा रहा है ब्राह्मणों की ओर से। देखिए, साफ तौर पे लिखा गया है, जो हाथों में बैनर लिखा लगा हुआ है इनके, उसमें लिखा हुआ है, हम भूखे मर जाएंगे पर अपमान का भोजन नहीं खाएंगे। साफ तौर पे ये सभी ब्राह्मण शपथ ले रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि अपमानित करने वाले मांझी के भोज का हम लोग बहिष्कार करते हैं। कल्लू जी, किस तरीके से आप लोग शपथ ले रहे हैं? मंत्रोच्चार कर रहे थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी के द्वारा, जिस तरीके से ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, इसकी जितना भी निंदा की जाए वह कम है। आज हम लोगों ने एक हाथ में वेद, दूसरी हाथ में तलवार, यानी कि अस्त्र शस्त्र ले लिया है। मैं शास्त्र की भी पूजा करता हूं, मैं अस्त्र की भी पूजा करता हूं। जिस वक्त जिस चीज की जरूरत पड़ी मैं उसे उठा लूंगा। आज हम लोगों ने मांझी जी के भोजन का बहिष्कार किया है, यह शपथ लिया है कि उनके दिया गया जो भोजन है उसके हम लोग आज बहिष्कार करते हैं। कल वो तो कह रहे हैं कि लेकिन बहुत आएंगे ब्राह्मण। मुझे पूरा उम्मीद है अपने समाज के लोगों पे, अपने स्वर्ण समाज के लोगों पे, कि उनके भोजन का जिस तरीके से हम लोग मंत्रों उच्चारण के साथ बहिष्कार कर रहे हैं, उनके यहाँ कोई नहीं जाएगा। एकजुट कर पाएंगे आप ब्राह्मण? बिल्कुल एकजुट कर पाएंगे। हमेशा भी सर्व ब्राह्मण एक साथ रहेंगे। सभी ब्राह्मण एकजुट कर पाएंगे। हम लोग मांझी जी के बयान को आप किस तरीके से? मांझी का बयान बिल्कुल असहनीय है और बिल्कुल शर्मनाक है। उनके बयान से हम लोग बहुत दुखी हैं। सभी ब्राह्मण एकता, हम लोग एक साथ रहेंगे। उनके अपमानित भोजन को हम लोग नहीं करेंगे। कोई ब्राह्मण हमारे भाई एक साथ रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे। शपथ ले रहे हैं आप? हम सभी ब्राह्मण एक साथ शपथ ले रहे हैं कि हम अपमानित भोजन नहीं करेंगे। देखिए, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो शपथ ले रहे हैं कि वो कल जीतनराम मांझी के आवास पे जो भोज का आयोजन किया जा रहा है, महाभोज का, उस भोज को नहीं ग्रहण करेंगे। उस महाभोज में ये लोग शामिल नहीं होंगे। शपथ लिया है इन सभी लोगों ने और काफी आक्रोशित भी हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी ने जो विवादित बयान दिया था ब्राह्मणों के खिलाफ, वो बयान ठीक नहीं है, उस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए था और वो ये उस बयान से काफी आहत है। इसीलिए ये लोग शपथ ले रहे हैं कि कल जीतनराम मांझी के महाभोज का ये लोग विरोध करेंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे। और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। जी के द्वारा, जीतनराम मांझी जी के द्वारा, जिस तरीके से हम सभी स्वर्ण समाज के ब्राह्मण को अपमानित किया गया है। और जो मांझी जी के द्वारा भोजन का आयोजन किया गया है उसे मैं बहिष्कार करता हूँ। हाय 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 जीतनराम मांझी हाय 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 हाय।